सर, मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है, रामगढ़ मूर्ति म्यूजियम का ऑनर हूँ। अलवर राजस्थान में हम रहने वाले हैं और यहीं पे हमारे मूर्तियों का बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, ये सब अलग अलग क्वालिटी की, अलग अलग मार्बल में, अलग अलग वेराइटी की मूर्तियाँ हैं। मूर्तियों को क्या है, दो तीन तरीके से डिवाइड होता है। एक तो मार्बल की क्वालिटी हो गई, सेकेंड में क्या है उनकी बनावट किस तरीके की है। जैसे ये सरस्वती माता की मूर्ति रखी है और उधर लास्ट में आपके पास दिखाई वो भी सरस्वती माता की मूर्ति, तो अभी दोनों में जो डिजाइनिंग का डिफरेंस है वो अलग, तो इसका रेट का चेंज होता है। थर्ड में क्या है कि मार्बल की फिनिशिंग कैसे कर रहे हैं, मूर्ति की फिनिशिंग कैसे कर रहे हैं और उस पर पेंटिंग किस तरह का कर रहे हैं, किस क्वालिटी का कर रहे हैं, इन सब के बाद मूर्तियों का डिसाइड होता है। जैसे छोटे छोटे मैं इस टाइप में बताता हूँ, ये वियतनाम मार्बल है, आप उसको देखिए, ये आपको प्योर व्हाइट दिख रहा है। ये पीछे दुर्गा माता की जो मूर्ति है ये भी वियतनाम मार्बल में है, तो ये सबसे बढ़िया इस टाइम चल रहा है। इसके नीचे मकराना जो मांगते हैं, ये है मकराना गणेश, ये जो गणेश कार्तिक भगवान की स्पीड पे चल रही है गाड़ी और पानी रखा हुआ है, देखिएगा भाई गजब हाईवे बनाया हुआ है। क्या कहते हो मुदित भाई इसके बारे में? एक नंबर हाईवे बनाया हुआ है भाई, गाड़ी की स्पीड 125 और ग्लास हमारा ऐसे ही रखा हुआ है, ग्लास में पानी भी बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है भाई, वाह मजा आ गया। अच्छा यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट क्या है एक बार दिखाएंगे दर्शकों को? स्पीड लिमिट है यहाँ पे 120। यहाँ पर हमने गाड़ी पार्किंग की है। छुट गयो जो छुट नो सूख गए ना वो दब्बे। इन्हें बता गई भैंस के बारे में जो ऐड कर रही है भैया, जो ऐड कर रही है भैंस बेचने का, उसे बता भैंस के बारे में कुछ। ये भाई जी दिल्ली मुंबई हाईवे है जो अभी नया बना हुआ है और हमने रख चुका है डैशबोर्ड पे, गाड़ी के डैशबोर्ड पे पानी भर के रख दिया है गिलास में। और देखना ये है अभी हमें देखना ये है कि कितनी स्पीड पे ये छलकता है, यानी तो अभी जो गाड़ी की स्पीड है वो है आपका 68। अब स्टार्ट करते हैं, डैशबोर्ड टाटा का है जी, देखो जो भी कुछ है, अब डैशबोर्ड टाटा हिला रही है। अभी देखिएगा ये है 98 और अभी भी पानी
छलका नहीं है अभी तक, तो छलका नहीं है। स्पीड हो चुकी है 115 और पानी भर। मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है, रामगढ़ मूर्ति म्यूजियम का ओनर हूँ। अलवर राजस्थान में हम रहने वाले हैं और यहीं पे हमारे मूर्तियों का बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, ये सब अलग अलग क्वालिटी की, अलग अलग मार्बल में, अलग अलग वेराइटी की मूर्तियाँ हैं। मूर्तियों को क्या है, दो तीन तरीके से डिवाइड होता है। एक तो मार्बल की क्वालिटी हो गई, सेकेंड में क्या है उनकी बनावट किस तरीके की है। जैसे ये सरस्वती माता की मूर्ति रखी है और उधर लास्ट में आपके पास दिखाई वो भी सरस्वती माता की मूर्ति। तो अभी दोनों में जो डिजाइनिंग का डिफरेंस है वो अलग, तो इसका रेट का चेंज होता है। थर्ड में क्या है कि मार्बल की फिनिशिंग कैसे कर रहे हैं, मूर्ति की फिनिशिंग कैसे कर रहे हैं और उस पर पेंटिंग किस तरह का कर रहे हैं, किस क्वालिटी का कर रहे हैं, इन सब के बाद मूर्तियों का डिसाइड होता है। जैसे छोटे छोटे मैं इस टाइप में बताता हूँ, ये वियतनाम मार्बल है, आप उसको देखिए, ये आपको प्योर व्हाइट दिख रहा है। ये पीछे दुर्गा माता की जो मूर्ति है ये भी वियतनाम मार्बल में है, तो ये सबसे बढ़िया इस टाइम चल रहा है। इसके नीचे मकराना जो मांगते हैं, ये है मकराना, ये जो गणेश कार्तिक भगवान की मूर्ति रखी हुई है। अच्छा अच्छा, ये एक नंबर मकराना है जो बहुत रियल केस में मिलता है। बाकी अधिकतर मूर्तियां यहाँ पर राजनगर मार्बल में भी है, अंबाजी मार्बल में भी है, लोकल अलवर मार्बल में भी है। 90% मूर्तियां यहाँ पे अलवर के मार्बल में बिकती हैं, जिसे हम झिरी का मार्बल कहते हैं ऑल ओवर इंडिया की। लेकिन लोग आप उसको अभी क्या है कि थोड़ा सा ऐसे कहते हैं ये लोकल है, लोकल है, लोकल नहीं है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का मार्बल होता है। क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 90% अगर ये मूर्तियां बिक रही हैं तो अच्छा ही होगा। तो आप यहाँ चारों तरफ घूम के देखिए, आपको बड़ी बड़ी मूर्तियां भी मिलेंगी। आइए मैं देखिए, ये देखो भैया का अपना जो मतलब कारो, मतलब जो यहाँ पे अभी भैया बनाते हैं उनके कारीगर हैं। और देखो भैया आप अपना पूरा वो बता रहे हैं, देखो ये मूर्तियों के बारे में, ये वियतनाम मार्बल में, ये वियतनाम मार्बल बता रहे हैं जिसको बहुत कीमती मार्बल बता रहे हैं। और ये आप देखो, ये सारी जो मूर्तियां हैं ये सब अलवर के मार्बल में। कौन से मार्बल में भैया? अलवर मार्बल, रुक्मणी कहते हैं जिसको, झिरी कहते हैं या अपने यहाँ पे मराठा भी कहते हैं, बहुत नामों से जाना जाता है क्योंकि इसका प्रोडक्शन अलवर में होता है, इसलिए अलवर का मार्बल इसे कहते हैं। ये सारी मूर्तियाँ जितनी भी रखी हुई है 5 फीट 6 फीट में, यहाँ पे 7-7 फीट की मूर्तियाँ रखी हुई है। 7-7 फीट की मूर्तियाँ भी बनाते हो आप? बिल्कुल भैया, अगर आपको इधर बननी है तो 7-7 फीट की मूर्तियाँ, ये सब यहाँ के मार्बल में है। और यहाँ के मार्बल की देखो, आपको देख दिखाता हूँ फिनिशिंग हुई मूर्ति जो अच्छी क्वालिटी की है। आपको इधर ये अलवर की मार्बल की मूर्ति, और आफ्टर फिनिशिंग पेंटिंग कम्प्लीट होने के बाद इसकी आप लुकअप देख सकते हैं। 4.25 फीट में है दुर्गा माता की, और इसको लोग अगर राजनगर में बेचते हैं, कुछ लोग इसको आपको मकराना में बेचते हुए मिल जाएंगे। विदाउट पेंटिंग है, मतलब इस पर कोई स्प्रे का यूज नहीं है, नेचुरल मार्बल की शाइनिंग है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, इसको आप और जूम करके देख सकते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको चारों तरफ से, भैया की कितनी मेहनत लगती है एक मूर्ति को तैयार करने में। भैया आप इसके पास खड़े होकर दिखाओ एक बार। यहाँ पे क्या है, इस पे डस्ट वगैरह लगी हुई है, ये मिट्टी वगैरह लगी हुई है जिससे शाइनिंग थोड़ी कम हुई पड़ी है। हाँ हाँ, वरना ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मार्बल है और एक नंबर जिसे कहते हैं अलवर के क्षेत्र में, वो चीज है ये अलवर का एक नंबर मार्बल है जिसको भैया ने काफी मेहनत के बाद तैयार किया है। देखो आपको मैं दिखाता हूँ नजदीक से, आप देखो आपको बहुत पसंद आएगा भैया का काम। अभी मैं आपको भैया के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिलवाऊंगा, भैया कहाँ से हैं, कैसे हैं, कैसे भी है। भैया आप अपने बारे में एक बार मेरे को बताओ कि आप कहाँ से हो, आपकी दुकान कहाँ पर स्थित है। हम भैया जी की दुकान में आके बैठ गए हैं, अभी आपको भैया जी अपना पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। यहाँ से अगर आप भैया से ऑर्डर पे भी माल मंगाएंगे तो भैया वहाँ आपके पते पे भेज सकते हो क्या भैया जी? बिल्कुल, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी मंगाइए, ऑल ओवर इंडिया में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में, हमारा एक्सपोर्ट का भी काम है, इम्पोर्ट का भी काम है। आपको जैसी भी मूर्ति चाहिए फोटो भेज के उसके अकॉर्डिंग हम आपके पास भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एडवांस डालना होता है, कुछ परसेंट एडवांस, जिसमें मिनिमम 10% लेते हैं, उसके बाद आपकी मूर्ति का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद जब आपको मूर्ति पूरी पसंद आती है, जब आप कहोगे कि भैया जैसे हमने फोटो डाला था उसी के अकॉर्डिंग बन गई है, उसके बाद हम आपकी मूर्ति डिलीवर करते हैं। डिलीवरी तक टेंशन हमारी होती है, अगर आप कोई डैमेज होता है, कोई और प्रॉब्लम आती है, तो वो सब प्रॉब्लम हमारी होती है। आपको जीरो डोस होता है यहाँ पे। हम हमारी दुकान का नाम है, फर्म का नाम है रामगढ़ मूर्ति म्यूजियम, मैं रामगढ़ मूर्ति म्यूजियम का ओनर हूँ। और करीबन पिछले 25 से 30 वर्षों से हम ये काम कर रहे हैं।
तो अभी बहुत लार्ज स्केल पे चल रहा है और अभी भी आपने दोनों तीनों दुकानों में देखी मूर्तियां। भैया आप अपने कारीगरों से मिलवाओगे एक बार? कारीगरों से मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पेंटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, इनका मेन काम पेंटिंग करना होता है। ये इनके पेंटर हैं और ये पेंटिंग है इनका मेन काम, मतलब हर पार्ट्स को तैयार करने के लिए अलग अलग बंदे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ मूर्ति की शुरुआत कैसे करते हैं, किस पत्थर से बनाते हैं, मैं आपको तो एक बार दिखवाता हूँ। भैया दिखाएंगे सारी चीज़ें, आप प्रोसीजर देखो। ये भैया की दुकान है जिसका नाम ये है ओम प्रकाश मूर्ति म्यूजियम, और भैया अपने पूरी फैक्ट्री में लेके जा रहे हैं। भैया चलो, ये भैया के यहाँ पे कारीगर हैं। भैया ये कारीगर मूर्तियाँ बन रही है, जो फोटो बनते हैं, बॉडी जो बनती है घर के, जैसे बुजुर्ग मर जाते हैं या फैमिली फोटो जो होते हैं, ये अपने शहीदों के हो गए, जैसे भीमराव अंबेडकर जी हो गए या गांधी जी, नेताजी, सुभाष चंद्र बोस, वो सब मूर्तियां इधर बनती हुई आपको दिखेंगी। ये सारे ये दिख रही हैं जो लेटी हुई, ये सब वही मूर्तियां हैं। ये भैया ये जो पत्थर है ये इसी से पत्थर से निकल, सबसे पहले ये बड़ी स्लैब होती है, बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, उनको कटिंग करके छोटे उसमें टुकड़े में काटा जाता है। जितने बड़े साइज की, जितने बड़े मूर्ति की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग इसको काटा जाता है। उसके बाद इसमें मूर्ति बनाने का प्रोसीजर शुरू होता है। आप अपने भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति है एक दो, और ये किसी शहीद की मूर्ति है जब अपने शहीद हो जाते हैं। हाँ, शहीद जवान की मूर्ति है, देखो जो मतलब अपने सेना से कोई जवान शहीद हो जाता है उसकी मूर्ति भी ये यहाँ पे तैयार कर देते हैं। और ये अंकल जी यहाँ पे इनके कारीगर हैं। अंकल जी आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए? अरे 13-14 साल हो गए। 14 साल हो गए अंकल जी आपको, आपका यही काम है जी? अच्छा अच्छा, ये हमारे सबसे पुराने ये इनके पुराने कलाकार हैं, सबसे पुराने। ताऊ जी आपको कितना टाइम हो गया? 40 साल हो गए ताऊ जी को इसी काम को करते हुए। देखो भाई यहाँ इतना पुराना आदमी शायद हो सकता है जी नहीं पाएगा, लेकिन 40 साल से मूर्तियों का काम कर रहे हैं, बचपन से ही शायद ये इस काम को कर रहे हैं। देखो ये फैमिली फोटो है, ये फैमिली फोटो है। अगर फैमिली में कोई आपके घर में आपके पिताजी, दादाजी या कोई भी वो हो जाता है तो उसके लिए ये तैयार करते हैं। देखो ये अम्मा का फोटो है, इस अम्मा के फोटो से इन्होंने, भैया ने इस फोटो से देखो इस तस्वीर को तैयार किया है। देखो भैया इस तस्वीर को तैयार किया है, इस फोटो को देखो आप, मैचअप करो। देखो कलाकारी बहुत तगड़ी है भैया के पास। देखो और आपको मैं एक शहीद फोटो है, ये जवान शहीद हो गए थे, इन्होंने इनकी मूर्ति तैयार करिए। देखो ये है इनका नाम, सेना में शहीद हो गए थे, सेना में सेवा करते करते इन्होंने काफ़ी टाइम अपना सेना के साथ बिताया और अचानक किसी हादसे में शहीद हो गए, तो इनके गांव वाले और परिवार वालों ने मूर्ति तैयार करवाई, जो भैया ने मूर्ति तैयार करी है। देखो आप उसका ढांचा देखो किस तरीके से भैया ने तैयार किया है। देखो ये भैया की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। देखो आपको मैं अंदर ले जाता हूँ भैया की फैक्ट्री के अंदर, जो बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसके अंदर देखो कितने विभिन्न प्रकार की मूर्तियां और वो हैं। देखो आप, तो आप लोगों को कभी भी जरूरत पड़े मूर्ति की या किसी भी चीज़ की, देखो यहाँ मंदिर भी बने हुए हैं छोटे घर में, जो आप अपने घर में यूज में मंदिर लेते हो, छोटे छोटे घर के यूज के लिए मंदिर, पूजा पाठ के लिए आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। मैं आपको भैया का पूरा पता, देखो ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, देखो जिसमें लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के चरणों को दबा रही हैं, और जिसे बालाजी का प्रसाद मिला हो, मैं तो मिला ना भाई।